फसल जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी, जुदाई हो तो दहलीज़ दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मुलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार दहलीज़ पार करा। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हेलो आकांक्षा, पहली बार हम मिले तब दोनों नर्वस थे, पर जैसे दूसरी मुलाकात में हमने खुल के बात की और फिर सगाई के बाद जब हम मिले तो एक दूसरे को जान पाए, और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने के बाद जो हमारा रिश्ता था वो और भी घना होता गया और हम एक दूसरे के करीब आते गए। दूल्हा के कपड़ों में जो बैठा हूँ तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, इस लम्हे में तुम मेरे साथ हो ये और भी अच्छा है। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मुझे अंकुर जैसा लाइफ पार्टनर मिले। हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही खुश रहेंगे। मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात लगती है कि तुम बहुत केयरिंग हो, सेकंड तुम अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हो, और थर्ड तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हो। एक तो उनको गुस्सा नहीं आता ज़्यादा, केयर करते हैं बहुत। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार जयपुर में मिले थे, मैंने पहली बार में जब रोज़ देने से मना कर दिया, उसके बाद मेरे को पूरा वैलेंटाइन वीक मनाना पड़ा। वो बहुत फनी मोमेंट था। तेरी ही बोली बोलूं
प्यारी बिटिया जिसका बचपन से नाम गुड्डन है, उसकी मेमोरीज़ में थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा। जो पल उसने मेरे साथ गुजारे उसके कुछ क्षण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गुड्डन मेरी प्यारी, हमेशा से ही मेरी प्यारी बिटिया रही है। इसका शुरू से ही बहुत सीधापन रहा है और कभी भी पापा ने डांटा होगा तो कभी इसने जवाब नहीं दिया। और मेरी शुरू से ही ये तमन्ना थी कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छे डॉक्टर बने, तो उसमें इसने प्रयास किए तो ये डॉक्टर बनने में सफल हुई। इसको हमेशा से ही कपड़े पहनने का अच्छा शौक़ है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, तो वो मैंने कभी इसको मना भी नहीं किया और इस तरह का ही इसका शौक पूरा भी किया इसने। और पढ़ाई में भी इसने जो है बहुत अच्छी उन्नति की और मेरे जो है सपनों को साकार किया इसने। पहले तो मैंने ये सोचा कि भाई एक डॉक्टर से ही मेरा बेटी का शादी करना चाहिए, लेकिन जब मुझे ये दामाद जी का रिश्ता तय हुआ तो मुझे एक तरह से खुशी महसूस हुई और एक अच्छे इंसान के साथ मैं इसका संबंध जोड़ा है। आज ऐसा पल है कि मैं अपनी बेटी को विदा करने जा रहा हूँ, तो इसकी कमी बहुत अखरेगी मुझे। सभी परिवार वालों को बहुत गहरा आघात पहुँचेगा, पर क्या है, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो बेटी आई है घर में वो उसको पराई होना है। ये एक दुनिया का दस्तूर है, उसे हमें भी निभाना पड़ेगा, पर इसकी हमें कमी बहुत अखरेगी सारे परिवार को। मेरा आशीर्वाद है इनका दोनों को ही कि अपने जीवन में बहुत अच्छी उन्नति करें और आगे बढ़ें। और अपने मेरी बेटी से भी यही अपेक्षा है कि अपने ससुराल में जाकर अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें और उनके साथ भी बेटी जैसा ही व्यवहार करके और उनके साथ। अब मैं जब यहाँ से मम्मी पापा को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना ऐसा रियलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि उनके मम्मी पापा भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि वो मुझे उतनी केयर देंगे जितना मेरे मम्मी पापा देते थे मुझे। Hey!
आज मेरी गुड्डन की शादी है, ये बहुत लकी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा जब मेरे को बहुत खुशी हुई, ये बहुत सुंदर लगती थी, कहीं घूमने नहीं जाती थी, ये घर पे ही रहती थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी ये। उसके जाने के बाद मैं अकेलापन फील करूँगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये हमेशा जीवन में खुश रहे, कभी भी दुखी नहीं हो, और माँ भी सासू सर की खूब सेवा करे, अच्छी नौकरी करे, कभी भी मरीजों को ये परेशान नहीं करे। ये दोनों को मेरा आशीर्वाद है। जे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, हमेशा यही था कि कंप्लेन कि दीदी क्यों नहीं बुलाती, रिस्पेक्टफुल होता है, एक जनरेशन गैप टाइप का फील होता है, तो अभी भी वो यही कहती है, लेकिन मैं कभी नहीं बुलाने वाली। वो तो पापा की प्यारी बेटी थी तो उस चक्कर में फिर, लेकिन हम सुबह लड़ते थे और शाम को वापस आ जाते थे और फिर ऐसे खाना खाते थे और साथ और अच्छे से बातें करते थे। लेकिन आज उसकी शादी है फाइनली, तो आई फील वेरी प्लीज्ड, बट ऑफकोर्स मतलब थोड़ा सा दुख तो है ही कि वो जाएगी वगैरह, बट आई थिंक उसके लिए इट विल बी वेरी न्यू एंड आई होप शी गेट्स प्लीज टू इट एज वेल। और वो बहुत केयर भी करती है मेरी, मैं क्या करता हूँ कभी किसी से लड़ाई होती है, जैसे कभी छोटी बहन से लड़ाई होती है, फिर पापा मेरे को ही डांटते हैं, पापा लड़कियों को डांटते नहीं है ज़्यादा ना, पापा मेरे को डांटने आते हैं तो छोटी बहन बचा लेती है कभी कभी, बड़ी बहन बचा लेती है, लेकिन कभी कभी दोनों से ही लड़ाई हो जाती है, तो दोनों ही पापा मेरे को बहुत डांटते थे उस बारे में। ऐसे ही शादी में सजना वजना ज़्यादा होता है और उसको लाइट, सब कुछ लाइट पसंद है मेरी तरह, वो हंस देती है ऐसे छोटी छोटी बातों पे, खुश हो जाती है। अंकुर जी दादी जो है, एक तो इसका मेकअप का ध्यान रखना, ये मेकअप में बहुत टाइम लगाती है तो उस पर गुस्सा मत होना, और बहुत सारी चीज़ें हैं ये, इसको मतलब अच्छे से रखना, इसको घूमना बहुत पसंद है, घुमाना, और इसको नए नए कपड़े बहुत पसंद है, कपड़े बहुत ज़्यादा मंगाती है, और वो ध्यान रखना।
Thank you.
भी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा रू भी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा मिले आसा दे गिड़े सहा दे तेथो प्यारिया ते पीर भी तू I'm not afraid to be.